मंडी जिला के सदर में भाजपा के विधायक अनिल शर्मा ने मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपने दिल के दर्द को बयां किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार मंडी जिला के सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है। इस बात का पता इसी से चलता है कि बीते दिनों में किस प्रकार से प्रदेश सरकार के सीएम से लेकर सांसद व मंत्री भी सदर के भाजपा विधायक अनिल शर्मा और उनके परिवार को मंचों से भी प्रताड़ित करने से पीछे नहीं रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार मंडी सदर में कोई भी नया काम शुरू करने तक में भी अभी तक असमर्थ रही है। उन्होंने कहा कि सदर में मात्र वही काम आज सरकार शुरू कर रही है जिनकी प्लानिंग उन्होंने पूर्व की सरकारों के समय में की थी। उन्होंने कहा कि मंडी जिला से सीएम बनने से लोगों में काफी आशा थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने राजनैतिक तौर पर मंडी सदर की जनता के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर मंडी सदर में 3 वर्षों में कोई भी नया काम करवाने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं इस बात का फैसला नहीं कर रहा हूँ कि मैं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। मैंने सारा फैसला लोगों पे छोड़ा है और लोग क्योंकि मैंने बहुत समय हो गए, मैंने 93 में मैं विधायक और मंत्री बन गया, 93 के बाद 1994 के बाद यदि मेरे बेटे की जगह आपका बेटा होता ये फैसला लेता तो आप क्या करते? वही बाप के तौर पे मैंने फैसला लिया और ये जरूर है कि आगे यहाँ की क्योंकि विधानसभा का चुनाव होगा, ये बड़ा चुनाव था लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभा के चुनाव के अंदर उस जो हमारे लोग हैं यहाँ के उनसे ही सलाह मशवरा किया जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी उन्होंने 4 सीट की थी, मेरे 4 सीट की है, पता नहीं क्या किया है उन्होंने, तो मैं तो अभी कह रहा हूँ मैं तो बाहर बैठा हूँ, मेरे कुछ इंक्वायरी करो, कोई लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हुई है तो कर इंक्वायरी करो, मेरा कुछ नहीं है कि राजनीति के अंदर कोई मैंने ऐसे बात करने की कोशिश की है, परंतु मेरा फैसला होगा लोगों का। मैंने अपने समय में काम करके बताए हैं, काम से अपनी पहचान बनाई है, अब लोग क्या फैसला करेंगे उस पर निर्भर करता है। दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी, डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें।